हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. क्लास 8 SST स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 8, जियोग्राफी ह्यूमन रिसोर्सेस. इन आवर लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट ह्यूमंस द अल्टीमेट रिसोर्सेस, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में कौन कौन से फैक्टर प्रभावी होते हैं, किन किन वजह से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रभावित होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल और जियोग्राफिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स. ये जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में से हमारे कुछ फिजिकल भौतिक कारक, जियोग्राफिकल भौतिक कारक एंड ह्यूमन फैक्टर्स, कुछ मानवीय कारक भी आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जियोग्राफिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो पहला है आपका टोपोग्राफी. फ्लैट और लेवल्ड सरफेस और प्लेन लैंड्स अट्रैक्ट पीपल फॉर सेटलमेंट्स. प्लेन्स आर सुटेबल फॉर बोथ फार्मिंग एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. हेंस दीज रीजन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. ऑन द अदर हैंड्स माउंटेनियस रीजन्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड अनइवन टेरेन एंड डू नॉट फेवर मच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हेंस दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. जो फ्लैट एरिया है, लेवल्ड एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन लोगों का सेटलमेंट अच्छे से हो जाता है, अच्छे से लोगों के निवास बन जाते हैं. प्लेन्स आर सुटेबल फॉर बोथ, और जो मैदान होते हैं वो कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए और रहने के लिए और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं. और ये एरिया जो होता है थिकली पॉपुलेटेड, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है, घनी आबादी होती है. दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर माउंटेंस एरिया होता है, माउंटेंस क्षेत्र होते हैं, वहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम होती है, यानी या तो ज़्यादा हॉट होती है या तो ज़्यादा कोल्ड होती है, और एरिया वहाँ का भी अनइवन होता है. अनइवन मतलब समतल एरिया नहीं होता है. इसी वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं. रिजल्ट स्वरूप ये निकल करके आता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो स्पार्सली होती है, इट मीन्स घनी आबादी नहीं होती है. क्लाइमेट, ह्यूमन बीइंग्स जनरली अवॉइड लिविंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. जो मानव जाति है वो अक्सर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इट मीन्स या तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो या तो ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, ऐसी कंडीशन को ह्यूमन बीइंग्स अवॉइड करती है, इट मीन्स ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करती है. द एरिया रिसीविंग हैवी और स्कैंटी रेनफॉल, और वो जगह भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ की आबादी भी बहुत घनी नहीं होती है. सिमिलरली पीपल डू नॉट प्रीफर लिविंग इन दोज एरियाज दैट आर वेरी कोल्ड और वेरी हॉट. ज़ाहिर सी बात है कि जो वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा बहुत गर्मी होगी या ज़्यादा सर्दी होगी, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे. द ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड रीजन्स विद अ प्लीजेंट क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल सपोर्ट मोर पॉपुलेशन. जो ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड रीजन एरिया है जहाँ की क्लाइमेट प्लीजेंट सुहावनी होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट इट मीन्स ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, रेनफॉल सपोर्ट करती है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं जो सहारा डेजर्ट है एक्सट्रीमली ड्राई, सूखा रहता है, वेराज हॉट अंटार्कटिका इज एक्सट्रीमली कोल्ड. दूसरी तरफ देखते हैं कि अंटार्कटिका है वो बहुत ठंडा रहता है. दीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स. इसी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है बहुत कम होती है. एंड सॉयल, द एरिया ऑफ रिवर्स वैली एंड कोस्टल लोलैंड्स आर थिकली पॉपुलेटेड एज दे हैव फर्टाइल सॉइल. सॉइल डिपेंड करता है कि जो वैली एंड कोस्टल लोलैंड्स हैं वहाँ की पॉपुलेशन थिकली यानी घनी आबादी पाई जाती है. रीजन क्या होता है कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, वाटर अवेलेबल आसानी से हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए. फर्टाइल सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और जो उपजाऊ भूमि होती है वो खेती के लिए उपयुक्त होती है. दैट्स वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया एंड द प्रेरीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर डेंसली पॉपुलेटेड. उसका रिजल्ट यही आता है कि जो प्लेन्स इंडिया में है, जैसे इंडिया के जो मैदान हैं, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेरीज हैं, ये घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं. सॉइल्स आर आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स,
और जो सॉइल होती है वो मिनरल्स का भी एक स्रोत होती है, वहाँ से हमको मिनरल्स भी मिलते हैं। मिनरल्स एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट्स एंड इज ट्रू इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ रीजन। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।